गाइज इस वाला वीडियो के अंदर मैं आप लोग को ऐसा फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो सबसे बेस्ट है, ठीक है। ये वाला एप्लीकेशन के अंदर आप लोग फोटो का बैकग्राउंड के अंदर आप लोग ब्लर डाल सकते हो एंड बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर पाओगे, सब कुछ कर पाओगे। तो वाला वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखो, तभी आप लोग को स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। एंड हाँ गाइज, मैं एक चीज़ नोटिस करो, आप लोग तो वीडियो देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक एंड कमेंट नहीं करते हो, तो जाओ यार वीडियो को लाइक कर दो एंड वीडियो के अंदर कमेंट कर दो, ठीक है। एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए। एंड मुझे इंस्टा पे जाकर फॉलो कर देना, इंस्टा आईडी का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए वाला वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो गाइस सबसे पहले आप लोगों को आफ्टर फोकस ऐप को ओपन कर लेना, ठीक है। ये वाला एप्लीकेशन का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चाहते इसका फुल वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन लिंक से। ओके, एंड आप लोगों को ओपन करने के बाद जाना है एल्बम टूल के अंदर एंड ऐसे आप लोगों को गैलरी के अंदर क्लिक करके आप लोगों को फोटो को ऐड कर लेना, जो फोटो आप लोग एडिटिंग करने वाले हो, ठीक है। तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे ये वाला फोटो को ऐड कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये वाला मॉडल को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। यानी कि आज की इस वाला वीडियो के अंदर मैं आप लोग ब्लर करना सिखाने वाला हूँ आफ्टर फोकस ऐप के अंदर, लाइक DSLR जैसा। सो आप लोग DSLR जैसा एडिटिंग कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हैं मैं फास्ट में ये वाला टूल को सिलेक्ट कर लिया एंड कुछ इस तरीके से मैं मॉडल के ऊपर सिलेक्शन बना लूँगा। तो आप लोग को भी इसी टाइप से मॉडल के ऊपर सिलेक्शन को बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं कितना परफेक्ट तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। सो आप लोग को भी इसी टाइप से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं एक एक लाइन को मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ बहुत ही ध्यान से। तो आप लोग को भी इसी टाइप से ध्यान से करना है, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा पार्ट पे ये वाला लाइन आ जाए तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, क्या दिक्कत होगा आप लोग को मैं बाद में बताऊँगा। सो आप लोग ये वाला वीडियो को देख लो, तभी आप लोग को समझ में आ जाएगा क्या क्या दिक्कत होने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हैं मैं मॉडल के ऊपर इसे ब्रश कर लिया। सो इस टाइप से आप लोग को ब्रश कर लेना है मॉडल के ऊपर। ओके, मॉडल के ऊपर ब्रश करने के बाद जो आप लोग का मेन काम है, ठीक है, यानी कि बैकग्राउंड के ऊपर ब्रश कर लेना है। तो इसके लिए आप लोग ये वाला टूल को सिलेक्ट कर लेना है एंड बैकग्राउंड के अंदर इस तरीके से ब्रश कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना परफेक्ट तरीके से यहाँ पे हमारा मॉडल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो गया। सो इस तरीके से इसी कारण से मैं बोल रहा हूँ आप लोग को, जो भाई मॉडल को आप लोग परफेक्ट तरीके से ब्रश करो। ओके, अब आप लोग को नेक्स्ट टूल के अंदर क्लिक कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट टूल के अंदर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ब्लर टूल है, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्लर को थोड़ा सा बढ़ा लूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं मैं पूरा ही बढ़ा लिया एंड यहाँ पे देख सकते हैं फोटो के अंदर ब्लर आ चुका है, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कितना परफेक्टली यहाँ पे ब्रश हो गया। अब हम लोग जाएंगे बुके इफेक्ट के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पे मिल जाएगा आप लोग बुके टूल, इसके ऊपर क्लिक कर लेना, बहुत सारा आप लोग को इफेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोग इसका बुके इफेक्ट को बढ़ा सकते हो, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैं बुके इफेक्ट को इतना ही बढ़ा लेता हूँ, कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टूल है, ये वाला टूल के अंदर आप लोग ऑटोमेटिकली भी सिलेक्शन कर सकते हो। जो आप लोग का नीचे के साइड है वो थोड़ा सा ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं एडजस्टमेंट हो चुका है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टूल है हमारा, ये वाला टूल के अंदर आप लोग को बैकग्राउंड को अलग से आप लोग ब्राइटनेस वगैरह को घटा सकते हो एंड बढ़ा सकते हो। तो जैसे कि देख सकते हैं मैं बैकग्राउंड टूल को सिलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ट्रास्ट है, यहाँ पे ब्राइटनेस है, सब कुछ आप लोग कर पाओगे, बहुत सारा फिल्टर है। तो मैं ब्राइटनेस को मैं थोड़ा सा यहाँ पे कम कर लूँगा, ठीक है। बैकग्राउंड का ब्राइटनेस ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे कम कर लूँगा। तो आप लोग को भी इसी टाइप से कम कर लेना है, यहाँ पे देख सकते हैं फोटो कितना अच्छा लुक दे रहा है। सो आप लोग मॉडल को भी इस तरीके से ब्राइटनेस वगैरह को सेट कर पाओगे। मैं यहाँ पे मॉडल का कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब जो हमारा लास्ट टूल है, इसमें आप लोग विग्नेट को ऐड कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे विग्नेट ऐड करोगे, शार्पनिंग ऐड करोगे, सब कुछ ऐड कर पाओगे आप लोग। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे थोड़ा सा शार्प को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप लोग सब कुछ कर पाओगे ये वाला एप्लीकेशन के अंदर। एंड यहाँ पे देख सकते हैं बिफोर आफ्टर कितना ज़्यादा अंतर आ चुका है। आप लोग को मैं बिफोर आफ्टर दिखा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप लोग एडिटिंग कर सकते हो। एंड जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे DSLR जैसा बुके इफेक्ट आ चुका आप लोगों को फोटो के अंदर, इस तरीके से आप लोग ले आ पाओगे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं फोटो को सेव कर लूँगा, ठीक है। सेव टूल के अंदर क्लिक करके थोड़ा सा ऐड आएगा, आप लोग स्किप कर देना, ठीक है। एंड कुछ इस तरीके से। सो गाइस आज का वीडियो इतना ही था, ठीक है। एंड जो भी था आप लोगों को दिखा दिया। एंड अगर भाई आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा और बुरा लगे तो आप लोग कमेंट भी कर देना, ठीक है। तो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।